हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु और आप देख रहे हैं एनआईटीएन स्पीक्स। सो गाइस, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखी होंगी बहुत ही शानदार और सुंदर सुंदर फोटोज। सो गाइस, जितनी भी फोटोज थी ये थी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की, और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में। तो यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में। तो हम सिस्टमेटिकली जाएंगे, और सबसे पहले बात करेंगे कॉलेज के ओवरव्यू की, उसके बाद कनेक्टिविटी, उसके बाद एनआरएफ रैंकिंग, फिर कोर्सेज ऑफर्ड, और उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ की, और फिर ऐसे जाते जाते हम बात करेंगे फेस्ट, हॉस्टल एंड मेस, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स और कंपनीज विजिटेड की। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सबको पता है, कॉलेज का नाम है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, और ओवरव्यू की बात करूँ तो यार, इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, ऑल्सो नोन एज ट्रिपल आई टी ए, लोकेटेड इलाहाबाद यूपी, इस्टेब्लिश 1999, इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट एंड कैंपस एरिया 100 एकर्स। बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो यार अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आप लोग आ सकते हैं प्रयागराज एयरपोर्ट पर, जो कि 5 किलोमीटर दूर है ट्रिपल आई टी इलाहाबाद से, और अगर आप बाई रेलवेज आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि 7 किलोमीटर दूर है ट्रिपल आई टी इलाहाबाद से। तो यार, आप सबको बता दूँ कि ट्रिपल आई टी इलाहाबाद जो कि इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद का जो अब नाम है वो प्रयागराज पड़ चुका है। बात करूँ एनआरएफ रैंकिंग की, तो यार 2019 में कॉलेज की रैंक थी 82 एंड 2020 में हो चुकी है 103। बात करूँ कोर्सेज ऑफर्ड की, तो यार बीटेक और बीई फोर ईयर प्रोग्राम में ट्रिपल आई टी इलाहाबाद 3 कोर्सेज ऑफर करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स। तो गाइस, ये जो आईटी और आईटी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स हैं, ये दोनों अलग अलग कोर्स हैं, और इनके अलग अलग ही कट ऑफ जाती है, जो कि हम अभी आगे बात करें। बात करूँ कट ऑफ की, तो यार जनरल की मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो ईसीई जनरल न्यूट्रल की बात करूँ तो 2152 पे ओपन होती है और 7738 पर क्लोज होती है। इसी प्रकार बात करूँ यार मैं आईटी की, तो जनरल न्यूट्रल की जो कट ऑफ है वो 374 पर ओपन होकर 4278 पर क्लोज होती है, और इसी तरह आईटी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स की जो कट ऑफ है वो 3097 पर ओपन होकर 4651 पर क्लोज होती है। तो गाइस, सबसे ऊपर जो फोटोज़ है जनरल में, वो तो फर्स्ट राउंड है, और उसके बाद है 6th राउंड, क्योंकि आपको पता है कि इस बार टोटल 6 राउंड हुए थे। तो ऊपर वाले जो फोटो आ रही है वो फर्स्ट राउंड की है, और नीचे वाली जो फोटो आ रही है वो 6th राउंड की है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जेंडर न्यूट्रल और फीमेल दोनों की। तो ये तो हो गई जनरल की। आगे मैं बात करूँ ओबीसी रैंक की, तो यार ये जो आप रैंक देख रहे हैं, तो ये जो पहले बता दूँ जनरल में, तो जनरल में जो आपने रैंक देखी ये सीआरएल रैंक थी, और ये जो ओबीसी की रैंक है ये ओबीसी रैंक है, और आगे जितनी भी कैटेगरी वाइज रैंक आएंगी वो सारी कैटेगरी वाइज रैंक होंगी, ठीक है। तो बात करता हूँ ओबीसी की, तो यार ईसी जेंडर न्यूट्रल की ओपन ओपन हुई थी 2343 पे और क्लोज हुई थी 3318 पर। आईटी की बात करूँ तो 887 पर ओपन होकर 2043 पर क्लोज हुआ था, और आईटी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स पर बात करूँ तो 942 पर ओपन हुआ था और 2303 में क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में। 6th राउंड की बात करूँ तो यार ईसीई जेंडर न्यूट्रल ओपन हुआ था 2688 पर और क्लोज हुआ था 3802 पर। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जेंडर न्यूट्रल ओपन हुआ था 887 पर और क्लोज हो गया था 2356 पर, और आईटी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स जेंडर न्यूट्रल जो है वो ओपन हुआ था 2216 पर और क्लोज हुआ था 2629 पर। बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो यार ईसी जेंडर न्यूट्रल में ईडब्ल्यूएस 1175 पर ओपन हुआ था और 1311 पर क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में। आईटी की बात करूँ तो जेंडर न्यूट्रल 647 पर ओपन हुआ था और 863 पर क्लोज हुआ था। आईटी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स जेंडर न्यूट्रल की बात करूँ तो 961 पर ओपन हुआ और 982 पर क्लोज हुआ। बात करूँ 6th राउंड की, तो यार ईसी जो ब्रांच है ईडब्ल्यूएस के अंदर जनरल न्यूट्रल ओपन हुआ था 1493 पर और 1820 पर क्लोज हुआ था। आईटी की बात करूँ तो 737 पर ओपन हुआ और 1013 क्लोज हुआ। आईटी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूँ तो 1082 पर ओपन हुआ और 1132 पर क्लोज हुआ। सिमिलरली बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो यार ईसी जनरल न्यूट्रल ओपन हुआ 1564 पर और 2378 पर क्लोज हुआ, और आईटी जनरल न्यूट्रल ओपन हुआ 334 और 1342 पर क्लोज हुआ। ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स जनरल न्यूट्रल ओपन हुआ 1501 पर और क्लोज हुआ 1641 पर। सिमिलरली बात करूँ 6th राउंड में एससी कैटेगरी की, तो यार ईसी जनरल न्यूट्रल में ओपन हुआ 1837 पर और क्लोज हुआ 2786 पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो जनरल न्यूट्रल ओपन हुआ 334 और क्लोज हुआ 1564 पर। इसी तरह आईटी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स एससी कैटेगरी जनरल न्यूट्रल ओपन हुआ 1604 पर और क्लोज हुआ 1773। बात करूँ यार एसटी कैटेगरी, तो यार ईसी जनरल न्यूट्रल ओपन हुआ 1079 और क्लोज हुआ 1396। आईटी जनरल न्यूट्रल ओपन हुआ 442 और क्लोज हुआ 977। आईटी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स जनरल न्यूट्रल एसटी कैटेगरी ओपन हुआ 1048 और क्लोज हुआ
1108। बात करो सिक्स राउंड की तो यार ईसीई जनरल न्यूट्रल एसटी कैटेगरी में ओपन हुआ था 1084 पर और क्लोज हुआ था 1472 पर, और आईटी जनरल न्यूट्रल ओपन हुआ 442 पर और क्लोज हुआ 977 पर, और आईटी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स ओपन हुआ 1048 पर और क्लोज हुआ 1108 पर। तो गाइस अभी मैंने आपके सामने कट ऑफ डिस्कस करी है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आने के लिए, ये जितनी भी रैंक्स है ये जेईई मेंस रैंक है रेस्पेक्टेड कैटेगरीज में। बात करूँ फेस्ट की तो यार यहाँ पर मेनली एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जिसका नाम है एफरविसेंस, जो कि यहाँ का एनुअल कल्चरल फेस्ट है। उसके अलावा और बहुत सारे फेस्ट होते हैं बट यहाँ पर मैं मेनली एक या दो फेस्ट जो मेन होते हैं वो डिस्कस करता हूँ। बात करूँ हॉस्टल एंड मेस की तो यार द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद ट्रिपल आईटी ए ऑफर्स हॉस्टल फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स। द हॉस्टल हैज़ कैपेसिटी टू अकोमोडेट 240 मेल एंड 60 फीमेल स्टूडेंट्स, मतलब 240 मेल और 60 मेल कैंडिडेट्स की जगह हॉस्टल के अंदर है। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो हैज़ 40 रूम्स एंड एन एयर कंडीशन गेस्ट हाउस टू अकोमोडेट फैकल्टी मेम्बर्स एंड अदर विजिटिंग फैकल्टी मेम्बर्स। द स्टाफ मेम्बर्स हैव टू स्टे इन स्टाफ क्वार्टर्स, मतलब जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं वो स्टाफ मेम्बर्स के लिए हैं, और 40 रूम्स अलग से जो कि एसी वाले हैं गेस्ट हाउस वो फैकल्टी मेंबर्स को अकोमोडेट करने के लिए हैं। द इंस्टीट्यूट हैज सेपरेट बिल्डिंग्स फॉर अकोमोडेटिंग मेन एंड वुमेन स्टूडेंट्स। द सीनियर स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड सिंगल रूम वाइल जूनियर्स रिक्वायर टू स्टे इन अ ट्विन शेयरिंग, मतलब सीनियर लोगों को तो भाई जैसा कि पता है सीनियर का हर जगह राज चलता ही है, तो वहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स जो है उनको सिंगल रूम मिलता है और जूनियर को ट्विन शेयरिंग के अंदर रूम मिलता है। अनदर हॉस्टल सिचुएटेड इन नैनी अकोमोडेट्स ओवर 200 स्टूडेंट्स। द रेगुलर बस सर्विस इज अवेलेबल फ्रॉम ट्रिपल आई टी ए कैंपस टू सेंट्रल इलाहाबाद, मतलब एक यहाँ कैंपस के अलावा भी जी एक हॉस्टल है, क्यों वो हॉस्टल थोड़ा अलग है मतलब कैंपस से, और वहाँ पर भी लगभग 200 बच्चों को अकोमोडेशन वहाँ पर मिलता है, और इस चीज़ के लिए एक बस फैसिलिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। बात करो यार फीस स्ट्रक्चर की तो अभी जो फीस स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये पूरा डिटेल फीस स्ट्रक्चर है जो कि ट्रिपल आई टी इलाहाबाद की ऑफिशियल साइट से मैंने निकाला है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और कोई भी कन्फ्यूजन ना हो फीस को लेकर। तो ये जितनी भी फीस है यहाँ पर बीटेक और वगैरह वगैरह की, मतलब हर सेमेस्टर वाइज आपको फीस बता रखी है, तो आप आराम से देख सकते हो आपको क्या क्या फी पेमेंट करना पड़ेगा। बात करूँ प्लेसमेंट्स की तो यार यहाँ पर आपको पता है जैसे कि दो ही ब्रांच है तो ईसीई और आईटी, तो यार यहाँ का एवरेज पैकेज ईसी का जाता है 16 एलपीए और हाईएस्ट जाता है 32 एलपीए, और आईटी के अंदर एवरेज जाता है 22.5 और हाईएस्ट जाता है 43 एलपीए का, जो कि बहुत ही शानदार प्लेसमेंट है जैसा कि हम सब देख सकते हैं। तो यार बात करूँ कंपनीज विजिटेड की तो यार यहाँ पर एडोब एयरटेल अमेजन सिस्को फ्लिपकार्ट गोल्डमैन सैक्स गूगल एचएसबीसी मीशो माइक्रोसॉफ्ट ओयो फ़ोनपे स्विगी विप्रो और जोमेटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर विजिट करती हैं। तो यार ओवरऑल एनालिसिस की बात करूँ तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एक काफ़ी अच्छी ट्रिपल आईटी है, और ट्रिपल आईटी होते हुए भी यहाँ के पैकेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और कुछ मायनों में तो यार ये कुछ एनआईटी से भी ज़्यादा अच्छे पैकेज हैं, और इससे पता लगता है कि ये एक ग्रोइंग ट्रिपल आईटी है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी एक अच्छी रैंक आई है जेईई मेंस में तो आपको ये कॉलेज ज़रूर कंसिडर करना चाहिए और इसके लिए भी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।